हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीबीआई कॉर्न लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 31 मई मतलब आज के दिन ओपन होने जा रही है और 4 जून को क्लोज किया जाएगा, मतलब 3 डे आईपीओ है। और 44.94 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 47.81 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 जून का, 7 जून का लिस्टिंग डेट है और एनएससी एसएमई पर लिस्टेड होगा। 90-94 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स की लॉट साइज। स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट और एकाद्रिस्त कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, मतलब दो लीड मैनेजर है इसके। एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है। प्रोमो और रजिस्ट्रार है के फिनटेक। वहीं अगर हम प्रोमोटर की बात करेंगे, इसके पहले ऑफर की बात करते हैं तो QIB 50%, HNI 15% और रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है मिस्टर योगेश लक्ष्मण राजहंस और मिसेस आशा लक्ष्मण राजहंस इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 76.65% का, पोस्ट इशू 57.71% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। बिजनेस कंपनी का जो है 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कॉर्न मिल ग्रिट्स का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। और ये जो कंपनी है आईएसओ सर्टिफाई किया गया, दो तरह की आईएसओ सर्टिफिकेशन इसको मिला 2015 और 2018 का। कंपनी जो है स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी कॉर्न मेज ग्रिट्स और से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इंडिया में जो सो इसके प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है ये कंपनी। कंपनी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का सेल करता है, जैसे जिसमें इंक्लूड है फैट फ्री कॉर्न ग्रिट्स या मिल्स, कॉर्न फ्लेक्स, स्टोन फ्री ब्रोकन मेज और कॉर्न फ्लोर और टर्मरिक फिंगर, ये सभी तरह की जो है सो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स है जो कि सेल करता है कंपनी। सभी प्रोडक्ट्स जो है सो बिना किसी केमिकल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के जो, और मतलब कि GMO फ्री मतलब कि बनाया गया है कंपनी। और ये कंपनी एक प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे दुबई, ओमान, जोर्डन, फिर साउथ अफ्रीका और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 48 एम्प्लॉयज़ टोटल टीम इसमें काम कर रहे थे। फिनांशियल की बात करें 21 में 67.7 करोड़ का रेवेन्यू, 23 लाख का प्रॉफिट। 22 में 100.9 करोड़ का रेवेन्यू, 45 लाख का प्रॉफिट। 23 में 140.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 6.8 करोड़ का। 24 के 9 मंथ्स में 101 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 7.8 करोड़ का। फिनांशियल अगर देखा जाए तो 23 में मतलब लास्ट 21 मंथ्स जो कि फिनांशियल है 23 का और 24 के 9 मंथ्स का, लास्ट 21 मंथ्स में अगर देखेंगे तो बॉटम लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है, जो कि इसके कारण डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को भी लेकर एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि इसके जो प्राइस रॉ मटेरियल से अगर इसके प्राइस में इंक्रीज होता है तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव में ऑपरेट हो रहा है और लो एंट्री है, लो बैरियर्स है इसमें एंट्री, इस इंडस्ट्री एंट्री इंडस्ट्री में बहुत ही लो बैरियर्स वगैरह, मतलब कोई भी कंपनी इसमें एंट्री कर सकते हैं। प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का खतरा हो सकता है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पास्ट में निगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड करना चाह रही है, वह इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। और जीएमपी इसका अगर देखा जाए तो वो 95 के जीएमपी, मतलब जितना प्राइस बैंड है उतना इसका जीएमपी चल, इसके अकॉर्डिंग 101% की लिस्टिंग मिल रही है। मतलब लिस्टिंग तो बहुत अच्छी दे रही, बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है जो कि कॉर्न मिलिंग का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 24 के सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया, इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है तो आप मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।